हूँ ज्योति जिसनेदर गर्ल, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक आईलाइनर का रिव्यू जो है टडा, ये है शुगर कॉस्मेटिक्स की तरफ से अरेस्टेड फॉर ओवरस्टे आईलाइनर। इसका शेड है आई विल बी ब्लैक और जहां तक मुझे पता है इन्होंने शायद अभी तक ये आईलाइनर सिर्फ एक ही शेड में लॉन्च किया है और ये एक पेन आईलाइनर है और इसका जो प्राइस है वो है ₹699 फॉर 0.55 ml, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइसियर साइड पे, अगर ये ₹500 के अंडर होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो आइए देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग। तो स्टैंडर्ड शुगर पैकेजिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं, आउटर कार्टन है जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और देखते हैं अपना एक्चुअल लाइनर कैसा दिखता है। तो इट्स नॉट कमिंग आउट, ये फाइनली और गिर भी गया। तो ये है एक्चुअल लाइनर और ये जैसे कि मैंने बताया कि ये पेन लाइनर है या कि फेल्ट टिप लाइनर है और इसका ये है इसका कैप और इसकी कैप की एक बहुत अच्छी बात है कि ये कुशन कैप है और इसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का साउंड आएगा बंद करने में। मैं आपको दोबारा सुनाती हूँ, ये देखिए ये कुशन आईलाइनर, इसका जो कैप है वो कुशन है इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में और इसे बंद करने पे ये क्लिक का साउंड आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा सेफ है, ट्रेवल फ्रेंडली है। अगर आप इसे अपने मेकअप पाउच में बैग में लेकर ट्रेवल कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कैप ढीला हो जाएगा, खुल जाएगा और आईलाइनर सब जगह लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये इस पैकेजिंग की बहुत ही अच्छी बात है और इसका जो टिप है जैसे कि आप देख सकते हैं वो फेल्ट टिप है और जो ओवरऑल साइज है प्रोडक्ट का वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि पकड़ने में, अप्लाई करने में बहुत ही अच्छा है और इसकी जो टिप है उसकी भी लेंथ जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आईलाइनर लगाने के लिए। मोटा आईलाइनर, पतला आईलाइनर, विंग आईलाइनर, कैट आईलाइनर, हर तरीके का आईलाइनर आप इससे लगा सकते हैं। अगर आप पतला आईलाइनर लगाना पसंद करते हो तो भी बहुत ही ईजिली लगा सकते हो, उसे ग्रेजुअली मोटा कर सकते हो, विंग लाइनर लगा सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो जो इसकी जो टिप है वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो आइए मैं दिखा देती हूँ आपको इसका स्वॉच और देखते हैं कि इसकी पिगमेंटेशन कैसी है। तो ये मैंने इसे एक बार स्वाइप किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बार ही स्वाइप करने में जेट ब्लैक पिगमेंटेशन आई है और दोबारा आपको इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है और टेक्सचर जो है वो बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही स्मूथ है। आपको इसे प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली एक बार में अप्लाई हो जाता है। पतला मोटा जिस तरीके का लाइनर आप लगाना चाहे उस तरीके का लाइनर आप इससे लगा सकते हैं और इसकी जो फिनिश है वो ना ही ग्लॉसी है ना ही मैट है, इन दोनों के इन बिटवीन है, यानी कि सेमी मैट फिनिश है जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। कुछ लोगों को ग्लॉसी फिनिश नहीं अच्छी लगती बट इसकी जो सेमी मैट फिनिश है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कंपनी का क्लेम है कि ये आईलाइनर जो है वो स्मच प्रूफ है, तो आइए आपके सामने ही मैं दिखा देती हूँ कि कितना स्मच प्रूफ है। तो मैं इसे पूरी तरीके से फोर्स से रगड़ रही हूँ और ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 100% स्मज प्रूफ है और कंपनी का दूसरा क्लेम है कि ये जो आईलाइनर है वो 100% वाटर प्रूफ है। तो वाटर टेस्ट भी हम करके देख लेते हैं कि ये आईलाइनर कितना वाटर प्रूफ है। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ में पानी लिया है और मैं पानी जो है मैंने इस पर लगा दिया है और देखिए पानी सिर्फ लगाने से ये बिल्कुल भी बज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। अभी इसे रब करके देखते हैं और रब करने से आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से फेड हो गया है और ऑलमोस्ट गायब हो गया है। तो ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है बट अगर आप लाइटली अपने आंखों को स्प्लैश कर रहे हो तो ये कहीं भी नहीं जाने वाला। जैसे कि मैंने दिखा दिया कि सिर्फ पानी डालने से ये बिल्कुल भी बज नहीं हुआ। अब ऑब्वियसली अगर आप आईलाइनर या काजल लगा के पानी से उसे इस तरीके से रब करोगे तो वो छूटेगा ही छूटेगा, थोड़ा बहुत तो फेड होगा ही होगा। और पर्सनली मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आईलाइनर या काजल लगाने के बाद मैं अपनी आंखों को इस तरीके से रगड़ूं, तो मेरे लिए ये कोई भी इशू नहीं है। सो या ये 100% वाटर प्रूफ तो नहीं है बट आई एम हैप्पी कि सिंपली अगर पानी से स्प्लैश कर रहे हो आंखों को तो ये कहीं भी नहीं जाता। तो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। मैंने इसे अभी तक कम से कम 5 से 6 बार यूज़ कर लिया है। अभी मैं अपने फ्रेंड की शादी में गई थी, संगीत में गई थी और भी मैंने 2-3 फंक्शंस अटेंड किए थे और मैंने इसे पूरे दिन लगा के रखा था एज अ काजल और एज एन आईलाइनर। एंड ट्रस्ट मी, ये 8 से 10 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे का तैसा ही था। यहाँ पे मैंने इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाया था तो वो लगभग 6-7 घंटे बाद थोड़ी ऑयली हो गई तो कॉर्नर से ये थोड़ा सा
फेड होने लगा, बट एज एन आई लाइनर ये कहीं भी नहीं गया। और यहाँ यहाँ पे भी जब मैंने इसे अपने लोअर लैश लाइन पर लगाया था तो वहां से तो ये बिल्कुल भी बज नहीं हुआ, लेकिन कॉर्नर पे ये थोड़ा थोड़ा सा फेड होने लगा, वो भी 5 से 6 घंटे बाद। बट एज एन आई लाइनर ये इंटैक्ट था लगभग 8 से 10 घंटे तक, जब तक मैंने इसे रिमूव नहीं किया। और इसे रिमूव करना भी बहुत ही ज्यादा ईजी है, आप कोई भी मेकअप रिमूवर लीजिए, ऑयल लीजिए, और ये बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाता है। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि आई हैव फाउंड माई परफेक्ट पेन आई लाइनर। मैंने इसके पहले मेबलिन के लैक्मे के जो पेन आई लाइनर फेल टिप आई लाइनर्स आते हैं वो यूज़ किए हैं, और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि पहली बात तो कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, दूसरी चीज़ कि वो उतना अच्छा पिगमेंटेशन नहीं देते, एक बार उनकी स्वाइप में वो जेट ब्लैक पिगमेंटेशन नहीं देते हैं, बार बार उन्हें अप्लाई करना पड़ता, और उनका जो टिप है वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता। बट इस आई लाइनर की टिप बहुत ही अच्छी है, साथ ही साथ ये पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी देता है। प्लस जो बिगिनर्स हैं, जो अभी आईलाइनर लगाना ट्राई करना चाहते हो, या जिनसे कैट आई या विंग लाइनर अच्छे तरीके से नहीं बनता है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विंग लाइनर इससे अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी भी मैंने अपनी आईज़ पे यही लगा, ऑल्दो मैंने विंग लाइनर नहीं किया है, बट अभी भी मैंने अपने एज एन आईलाइनर इसी को लगाया हुआ है, तो आई लव दिस प्रोडक्ट, और मेरी तरफ से इसे बिग 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 ये है। सो यार, ये था मेरा रिव्यू शुगर अरेस्टेड फॉर ओवरस्टे आईलाइनर के लिए। आपको मेरा रिव्यू अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आप आगे किन चीज़ों का रिव्यू देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में ही छोटू सा बेल आइकन बना हुआ है उसे भी बजा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।